हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पे अपना अनसोल्ड क्वेश्चन 7 करेंगे, जो आपको पेज नंबर दिया है 59 पे। कितने पे दिया है? 59 के पेज नंबर पे दिया है। तो बच्चे लोग प्लीज़ 59 पे पहुँच जाना, और जब भी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस मेरे साथ तो प्लीज़ बुक लेके बैठना है। वहाँ पे भी आपको क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। वहाँ पे भी आपको लिखते रहना है कि हीरेन सर ने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे बोर्ड पे, तो आपको भी बुक्स के साथ में क्या करना है, लेके बैठना है और क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। यस, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाद में 8, 9 और 10। जैसे 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, मतलब मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर्स है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग डेज में अपन चालू करेंगे जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है, NPO जो बोलते हैं शॉर्ट में, वो क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो दिया है वो क्या करेंगे, अपन शुरू करेंगे। ठीक है, आराम आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं है आपको। यहाँ पे अपन को कोई घाई नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बट सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। आपने इस बार 99 नहीं 100 स्कोर करना है, यही माइंड थॉट रखना है। 100 आते भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है। मेरे को खुद को 100 नहीं आया था, मुझे 91 आया था। यस, मुझे 91 आया था, पर हाँ सर्टन चीज़ें गलती की थी मैंने NPO के अंदर। वो अगर वो गलती नहीं करता और 2-3 मेरे ऑब्जेक्टिव्स से वो अगर मैं राइट करके आता तो मुझे भी 99 तो मेरा था ही माइंड में कि 99 आ जाएगा, पर हाँ कहा ना कहा 91 पे मैं अटक गया बिकॉज ऑफ द NPO। जो मेरा प्रैक्टिकल जो मेरे को फील हुआ है कि यहाँ पे मैं अटका था, तो वो चीज़ें मैं तुम लोग को बता दिया, पर ये गलतियाँ मैंने जो की थी 5-6 साल पहले, मोर देन नॉट 5-6 साल, ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गया रहेगा, तो वो टाइम पे मैंने जो गलती की थी वो सेम गलती आप मत दोहराए ना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सतीश एंड प्रमोद, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने तो रीड आउट कर दिया, देखा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन लोग ने क्या बोला है कि खाली तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। एक्चुअल में एग्जैक्टली ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में देखा नहीं गया है, बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो। बट अपन यहाँ पे सब बनाएंगे, मतलब अपने को ऐसा एज्यूम करना है कि अपने को सब बनाना है, बैलेंस शीट टैली करनी है अपना। भले इन लोग क्या बोल रहे हैं कि खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट अपन क्या करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यू हैव फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ओनली। मतलब यहाँ पे इन लोग ने बोला कि बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अपन बनाएंगे क्योंकि अपना सम वो बांधने क्या हो जाएगा, अपना सॉल्व भी हो जाएगा पूरा। यस, लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करता हूं। बस यहां पे अपन एक चीज नहीं बनाएंगे, जो होगी इस बार पार्टनरशिप अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं दिया है, ना तो उसका कैपिटल दिया रहेगा, ना तो यहां पे ड्रॉइंग्स दिया रहेगा। पूरा जो फोकस किया है इन लोग ने ये क्वेश्चंस के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस साइड। बैलेंस शीट में भी बहुत कम फिगर है, जो भी फिगर भर भर के इसके अंदर दिए है वो किसके अंदर है, ट्रेडिंग के और प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चंस, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये पहले भी आया हुआ वर्ड अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब प्रोडक्शन के लिए खर्चा नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव है उसका खर्चा लगा है, तो इट्स अ इनडायरेक्ट खर्चा, तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अगर यहाँ पे अन नहीं होता, UN नहीं होता, तो प्रोडक्टिव खर्चा होता तो वो कहाँ पे जाता, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, देखो फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड, ओनली रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खाली फैक्ट्री रेंट ही है, अगर वर्ड आगे फैक्ट्री रेंट यूज किया जाता तो आपका आता था कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स को क्या करेंगे अपन, स्टार मार्क कर देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर असेट, इन्वेस्टमेंट असेट,
फैक्ट्री रेंट जो आप बोला मैंने आ गया। यस, जो मैंने तुमको बोला था कि फैक्ट्री रेंट होता तो कहां पे आता था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम नथिंग बट आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मतलब ज्यादा जो फोकस किया ना सब प्रॉफिट और ट्रेडिंग में ही दिख रहा है, क्योंकि उन लोगों ने पर्पस ही जो था क्वेश्चन का क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट का नेट ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है और प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट ढूंढना है। ठीक है, चलो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, माय बैड आई अपोलोजाइज। ठीक है, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज में से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो परचेज कहाँ पे, यहाँ पे है परचेज स्टार मार्क कर दो, अपन क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके लिए वो लाइबिलिटीज हो जाएगी। बैंक लोन, देखिए यहाँ पे सर्टन हिडन एडजस्टमेंट दिया है, परसेंटेज दिया है मतलब हिडन है वो, और यहाँ पे डेट भी दिया तो और हिडन है। तो अपन मीनवाइल क्या करते हैं, इधर लाइबिलिटी साइड लिखते हैं और इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है, और अदर रिसिप्ट भी आपके किधर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगी। सो आई थिंक सो ट्रायल बैलेंस का फंडा क्लियर है यहाँ पे, आई डोंट थिंक जो कुछ नया चीज़ था, खाली एक बैंक लोन याद में ध्यान में रखना है कि हिडन एडजस्टमेंट होगा। चलो आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। पहला ही है आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट अ 15,400, पहला इफेक्ट आपको खुद को मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। अपने को बैलेंस शीट बनानी है और टैली भी करनी है, भले अपने को पूछे नहीं है तो भी, पूछा नहीं है तो भी अपन क्या करेंगे, टैली करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, पहला तो आउटस्टैंडिंग है ऐड करेंगे वेजेस के अंदर, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, वो आपके लिए खर्चा है और खर्चा पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जाएगा। तो यहाँ पे वेजेस में क्या करेगा अपन, टिक मार्क कर देंगे, स्टार मार्क कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 रुपया, मतलब ये आपका न्यू बैड डेब्ट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, मतलब आपके लिए न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी दिया गया है, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, पहले तो लेस करेंगे सन्ड्री डेटर्स में से दोनों चीज, और सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में प्रॉफिट एंड लॉस के साइड लिख देंगे। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मीनवाइल सन्ड्री डेटर्स को क्या कर दो, टिक मार्क कर दो यहाँ पे, वेरी सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे भाई, तो डेटर्स कहाँ पे छुपा है, यहाँ पे छुपा गया है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ओहो भाई किधर रफ हो गया तू, ऊपर जाना था तेरे को। यस, नेक्स्ट है गुड्स ऑफ वर्थ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ऑफकोर्स गुड्स तू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एज अ फ्री सैंपल, पहले तो आपके स्टॉक में से कम हो रहा है तो लेस फ्रॉम, पहले तो स्टॉक में से खत्म हो रहा है, कम हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये आपके जाएगा बैलेंस शीट के, अरे क्या बोला सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों, फ्री में दे रहे हो तो खर्चा लगेगा तो वो आपके लिए खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो तो एक्सपेंस है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। देखो वंस अगेन, गुड्स 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फेरी सैंपल, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज स्टॉक कम हो रहा है, और सेकेंड चीज यहाँ पे जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड क्यों लिखा है, बिकॉज वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट एज अ खर्चा आपने क्या किया, खर्चा किया है। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बता, गुड्स ऑफ वर्थ ₹200 वर सोल्ड एंड डिलीवर ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 तक डिलीवर हो चुका था, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल। सर आपने सेल किया पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया, इट्स कॉल्ड अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल का दो इफेक्ट क्या आता है सर, पहले तो सेल्स में ऐड करो और प्लस पैसा भी मिलेगा उसका, तो सन्ड्री डेटर्स में भी ऐड करो। तो ये वाला एडजस्टमेंट आपको किससे पहले करना है, इससे पहले करना है, थर्ड से पहले करना है एडजस्टमेंट। मैं तुम लोगों डे वन पे बोला है कि जब भी आप आरडीडी फाइंड कर रहे हो, परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, तो सबसे लास्ट में करना है, उससे पहले जो भी एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर्स के क्या करना है, आपको प्लस माइनस कर देना है। तो सेल्स में भी ऐड करेंगे और सन्ड्री डेटर्स में भी ऐड करेंगे। ओके चलो, तो सेल्स में दो आ जाएगा स्टार मार्क, दो लाइन छोड़नी है, और सन्ड्री डेटर्स में भी ऑलमोस्ट 2-3 लाइन छोड़नी है आपको, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मालूम है कि भाई बैड डेब्ट्स के भी सर्टन फार्मूलाज आपको माइनस करने हैं,
न्यू बैड डेब्ट्स भी माइनस करना है और ये अनरिकॉर्डेड सेल का भी। बट हाँ, अनरिकॉर्डेड सेल पहले करना है, उसके बाद नए आरडीडी वाले एडजस्टमेंट करने जाना। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट इज क्लियर है। आपको ध्यान में रखना है टोटल एडजस्टमेंट कितने हैं आपके, 5-6 नहीं है, कितने हैं 5 नहीं है, 6 है। एक हिडन एडजस्टमेंट भी जो है यहाँ पे छुपा है क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटीज वाला, लोन वाला, वो भी आपको क्या करना है याद रखना होगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएंगे इन द बुक्स ऑफ, पहले तो देखते पार्टनर्स कौन थे। चलो पार्टनर्स था सतीश एंड प्रमोद इन द बुक्स ऑफ प्रमोद फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। यहाँ पे भी सेम एज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस 31st March 2019। ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये वाले सम के अंदर, बिकॉज नो रिलेवेंस, नो कैपिटल, नो ड्राइंग्स, नथिंग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास क्या कर सकते हो, ये तो जस्ट मैं तुम लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। और लास्ट आ जाएगा बैलेंस शीट, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट अपन सॉल्व कर लेंगे एज ऑन 31st March 2019। और लास्ट में आप चाहो तो अपना वर्किंग नोट बना सकते हैं। हो वर्किंग नोट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। पहला ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 8702, ओपनिंग स्टॉक 8700 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट। यस परचेज, परचेज रिटर्न वन टाइप का एडजस्टमेंट है वहां पे 18300 परचेज पे 2 परचेज 18000 कितना लिखा है 18700 300। यस 18300 इसमें से लेस रिटर्न होगा, छबी भी आएगा अमाउंट अपन क्या करेंगे फिट कर देंगे इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेगा सर। वेजिस एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखना है, 1000 रुपये का क्या है वेजिस है आपका 2 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये वेजिस 1000 रुपया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेगा सर। ये हो गया वेजिस। इंश्योरेंस कुछ भी स्टार मार्क नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इंश्योरेंस डायरेक्ट 800 रुपया आउटर कॉलम में लिख सकते हो। यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दो बिकॉज वी डोंट नो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। 2 इंश्योरेंस 800 रुपया डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस सर। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1400 रुपये का है 1400, देर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिख सकते हो 2 अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400 डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस चलो वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसको भी लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट 2 600 रुपीज है आई थिंक सो, क्रॉस वेरीफाई वंस। यस 600 रुपये रेंट है वेयर हाउस का। नेक्स्ट है कैरेज आउट टूवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1200 रुपये का, यहाँ पे 1200 रुपये का क्या था 1200 रुपये का कैरेज आउटवर्ड
कह रहे ये इन्वर्ट होता था तो ट्रेडिंग में जाता था, कह रहे आउटवर्ड 1200 रुपया, ठीक है। चलो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे, जब भी सेल्स के एंट्री लिखेंगे तब अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1400 रुपया, एक्सपोर्ट ड्यूटी चौदह सौ डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, यस। चलो कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 800 रुपया डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डायरेक्ट 800 रुपया, सॉरी डायरेक्ट क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी 800 रुपया। सन्ड्री डेटर्स असेट साइड 40,000 का असेट्स है, सन्ड्री डेटर्स 40,000 का सन्ड्री डेटर्स कितना है 40,000, इसको इनर कॉलम में लिखना है और दो तीन लाइन छोड़नी है। एक तो न्यू बैड डेब्ट्स आएगा, आरडीडी आएगा, अनरिकॉर्डेड सेल आएगा, ऐसे करके तीन चार एडजस्टमेंट है तो इतना छोड़ दो, यस तीन चार लाइन छोड़ देना अपने को। चलो आगे बढ़ेगा सर, इन्वेस्टमेंट इज योर असेट्स 15,700 का इन्वेस्टमेंट किया है आपने, 15,700 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, यस आई थिंक सो एडजस्टमेंट नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट में, यस इन्वेस्टमेंट में देर इज नो एडजस्टमेंट 15,700। एक फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1600 रुपये का, इसको भी आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, टू फैक्ट्री 1600 रुपये का लिख सकते हो, यस। चलो फैक्ट्री रेंट 1600 रुपया और लास्ट डी है पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 रुपया, टू एंड टेलीग्राम 400 रुपया, कन्फर्म वंस अगेन अमाउंट बराबर लिखा है ना 400 रुपया, यस। चलो तो आई थिंक सो यहाँ पे डेबिट साइड वाला सब बैलेंस क्या होता है खत्म होता है, आ जाते हैं सेल्स में। 68,000 का सेल्स दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स 68,000 है, यहाँ पे दो तीन लाइन छोड़नी है, एक तो अनरिकॉर्डेड सेल है और एक सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ पे दो लाइन छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेगा सर, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड 2000 का आप लोगों को क्या मिला है डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है नथिंग बट आपको कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसका क्या मिलेगा आपको इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या तो प्रॉफिट मिलेगा, इट्स नथिंग बट हाँ जो भी मिलेगा वो शेयर्स पे मिलेगा उसको डिविडेंड बोलेंगे 2000 का। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट क्रेडिट साइड यस यहाँ पे आएगा बाय डिविडेंड 2000 का दोनों आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, ये हो गया। परचेज रिटर्न 500 रुपये का माइनस करेंगे, ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे लिख के रखा है 500 रुपये का करेंगे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 17,800, ठीक है ये हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 13,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर सर्टन आइटम पोर्शन छोड़ दो आप, यस सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना है 13,000, यस। चलो आगे बढ़ेगा सर, ये होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 10% बैंक लोन हिडन एडजस्टमेंट है, आपको इनर कॉलम में लिखना है 8,000 का क्या लिखना है बैंक लोन लिखना है, पर देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट बैंक लोन 10% बैंक लोन
8000 का इनर कॉलम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वन एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट का छुपा हुआ। यस चलो आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। और अदर रिसिप्ट्स है आपके पास, मतलब अदर इनकम है, इनको रिसिप्ट्स को इनकम बोल सकते हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख सकते हो आप बाय अदर्स रिसिप्ट्स 1000। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो चुका है। तो जरा ट्रायल बैलेंस की जो पोस्टिंग थी ऑलमोस्ट डन, नाउ टर्न टू एडजस्टमेंट। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर दे रहे, कमेंट लिख दीजिए बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है आप लोग को। यस चलो लेट्स स्टार्ट ऑन पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला ये क्लोजिंग स्टॉक 15400 बाय, अरे ऊपर जाए थोड़ा बोर्ड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, कितना है 15400। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड 15400। ठीक है चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपया, पहला तो ऐड करेंगे वेजेस के अंदर और सेकंड इफेक्ट करेंगे अपने पास माथे पे लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज है 500 रुपया वेजेस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे क्योंकि पे करना है अभी भी 500 रुपया सर 1500 आउटर कॉलम में लाके। ठीक है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 लिखना है, 1500 मत लिख के आना, छोटी छोटी गड़बड़ होती है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो प्लीज बच्चों लोग अवेयर रहना वो चीज को लेके। ठीक है तो ये क्लियर है। अभी ये वाला एडजस्टमेंट पहले करना है जो मैंने तुमको ड्रॉ किया है, एरर ड्रॉ किया, गुड्स वर्थ ₹2000 वर्थ सोल्ड एंड डिलीवर एज ऑन 31st March 2019, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल की बात कर रहा है, मतलब आपने सेल किया बट आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना बॉस, न का केम चाल से। यस तो यहाँ पे ऐड करेंगे पहले तो अनरिकॉर्डेड सेल कितना है 2000। यहाँ पे और एक लाइन छोड़िए, रिटर्न करना बाकी है, माइनस भूल जाएगा वरना सेल्स रिटर्न कर लेते हैं साइड बाय साइड, वरना भूल जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना था 600, पूरा आउटर कॉलम में डाल देते इसको, खत्म करते इसका अकाउंट सेल्स का 68 में 2 प्लस करें तो 70,000 में से 600 जाएगा तो 400 बचेगा, मतलब 1000 पूरा यहाँ पे आ जाएगा 69,400। और इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है अनरिकॉर्डेड सेल है, डेटर्स के अंदर ऐड करेंगे सेलेड बिकॉज पैसा भी तो देगा, फ्री में थोड़ी लेके जाएगा, क्या बात कर रहा है, अन सेल्स कितना है रिकॉर्ड सेल 2000 का सर। ठीक है चलो अभी नाउ यू कैन गो फॉर द गो एड फॉर द आरडीडीज, करना है माइनस जो भी करना है अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यस तो ये वाला एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन, अभी अपन करेंगे ये वाला एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 रुपया, मतलब इट नथिंग बट न्यू बैड डेब्ट्स है अपना, न्यू बैड डेब्ट्स है और आरडीडी भी दिया है 3% है, संडे डेटा सी भी नया आरडीडी है। ठीक है तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे पूरा बैड डेब्ट्स का, क्या कर लेते हैं अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, टू बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड
न्यू आरडीडी अनलेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। चलो बेड डेप्स तो आपके ट्रायल बैलेंस में दिखा नहीं, न्यू बेड डेप्स आपके लिए 800 रुपया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले सन रेट डेट्स में से भी 800 रुपया अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेस न्यू बेड डेप्स 800 रुपया ब्रैकेट में लिखते तो समझ में आएगा कि इसको माइनस करना है, ठीक है। चलो अभी देखा क्या लिखा है, आरडीडी कितना लिखा है, 3% सनरी डेटर्स, 3% सनरी डेटर्स मतलब सनरी डेटर्स का लेस करेंगे 3% न्यू आर डी डी, मतलब कितना अमाउंट का, 40,000 प्लस 2,000 करेंगे तो 42,000, और 42,000 में से 800 माइनस करेंगे सर, 42,000 में से 800 माइनस करेंगे तो सम अराउंड आएगा 41,200। 4200 में का आपको करना है 3%, तो आपका आएगा 1236। कितना करना है, इसका करना है टोटल, ये सबका नेट फिगर लेना है सनरी डेटा का, इसलिए तो वेट करते हैं अपन। आरईडी का हमेशा मैं तुम्हें को बोलता हूँ ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद ही क्या करना है आपको, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसका जो प्लस माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आया 41,200, उसका मैंने 3% लिया है तो आता है 1236। इसको माइनस करेंगे अभी 41,200 में से माइनस करेंगे 1236, तो आ जाएगा मेरा आउटर कॉलम में 39,964। इसका सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है, 1236 का 1236 1236, इधर भी कुछ नहीं था तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो 6312, ठीक है। तो 2036 यहाँ पे फिगर आएगा अपना, तो ये वाला एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ेगा सर, आगे क्या लिखा है, अभी गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आपने फ्री में क्या किया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहला तो स्टॉक कम होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल कितना है, 1800 रुपया सर, 1800 रुपया। और हाँ, एडवर्टाइजमेंट बोलते हो इसको इनडायरेक्टली आप, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, लिखना पड़ेगा टू गुड्स एज अ फ्री सैंपल, और ब्रैकेट में चाहो आप तो एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो जो होगा आपका 1800, ठीक है। चलो तो ये दो इफेक्ट हो चुके हैं इसकी भी, और यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट भी हो चुका है, तो आई थिंक सो इट्स ऑल डन, ओनली वन हिडन एडजस्टमेंट इज देयर। यस, कौन सा एडजस्टमेंट है, यहाँ पे है लाइबिलिटीज वाला, यस 10% बैंक लोन वाला। क्या बोला है कि बैंक लोन आपका 8,000 का है, बट उसमें भी विथ इफेक्ट फ्रॉम कहाँ से काउंट करना है, आप लोग को पूरे साल के लिए नहीं लिया है, उन लोग ने मिड ऑफ द ईयर में लिया है कि भाई ये लोन हम लोग ने लिया था विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई, विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2018 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8,000 का आपका वर्किंग नोट में आ जाता है पहले, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपने जो बैंक लोन लिया है ना, आठ हजार का, वो कभी से लिया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। अभी जुलाई से मैं 18 से चालू करूं, मार्च तक पहुंचूंगा तो कितना महीना होता, कैलकुलेट करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो टोटल कितना महीने होते हैं, ये 5 और ये 4, टोटल 9 मंथ्स होते हैं। तो अपना जो कैलकुलेट करना है ना यहाँ पे 9 मंथ्स के हिसाब से क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले तो देखते कितना परसेंटेज के पे लिया, कहाँ गया,
10% के हिसाब से लिया है, तो पहले तो यहाँ पे 8000 का मैं 10% निकालूंगा, तो एक जीरो मेरे को क्या कर देना है, निकाल देना है 8000 का। अगर मेरे को 10% निकालना है 10%, तो एक जीरो मेरे को माइनस करना है 800 रुपया। पर 800 रुपया तो पर एनम हुआ, पूरे साल का हुआ, पर एनुअल हुआ, पर मुझे पूरा साल का नहीं लेना है, मुझे 9 महीने का लिखना है। तो इसका 9 मंथ करोगा, 8 × 9 / 12 करेंगे, तो जो भी अमाउंट आता है आपने को क्या करना है, इसको एज अ इंटरेस्ट क्या करना है, माइनस करना, ऐड करना होगा। तो 800 × 9 / 12 करूँ तो आपको यहाँ पे आता है 600 रुपया इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो वो 600 रुपया आपके लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। सेकेंड इफेक्ट, वो आपको पे करना है, वो आपके लिए लायबिलिटी है, लोन लिया इज लायबिलिटी, तो उसका इंटरेस्ट भी आपके लिए लायबिलिटीज होगी, तो इसको भी इधर ही ऐड कर दो बैंक लोन के अंदर। यहाँ पे बैंक लोन के अंदर इंटरेस्ट कितना, 600 रुपया, तो हो जाएगा 8600। और 600 रुपया आपके लिए इंटरेस्ट आप भर रहे हो, वो आपके लिए खर्चा है, तो खर्चा कहाँ पे आता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस के टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 600। सो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट, सब हिडन एडजस्टमेंट, सब पोस्टिंग इज डन। नाउ टर्न टू कैलकुलेट एंड लेट सी, क्रॉस फिंगर टैली हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टैली नहीं करना है, बट अपने को करना है। सर क्या बोलो, नहीं करना है, करना है कुछ एक ही बोलो भाई, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करना है और अपने को करना है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट, क्रॉस फिंगर, होपफुली अपना आंसर टैली हो जाए। पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से, हमेशा 69400 प्लस 15400 प्लस 1800, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 86600, कितना आया 86600। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन, समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा, ठीक है। चलो अभी 86600 में से मैं 1 by 1 आइटम माइनस कर रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ 1600 माइनस 800 माइनस 1500 माइनस 17800 माइनस 8700, तो ये आ जाएगा आपका 56, जो प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 56200। लेट्स चेक वंस कि बराबर आया कि नहीं आंसर, 56200। चलो यहाँ पे टैली हो चुका है अपना, मतलब टैली मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, कितना है 56200। ऐसे राउंड करना है कि मालूम गिरे एग्जामिनर को भी, भाई तुम लोग ने प्रॉफिट फाइंड आउट किया। यस, चलो यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 56200। अब ये 56200 में मैं प्लस करूंगा 2000 और 1000, टोटल 3000 ऐड करूंगा, तो आ जाएगा 59200 आ जाएगा। नीचे लिख देते हैं 59200, चलो अभी इसमें से 1 by 1 आइटम माइनस करते हैं, 600 माइनस 1800 माइनस 2036 माइनस 400 माइनस 1400 माइनस 1200 माइनस 600 माइनस 1400 माइनस 800, तो ये आ जाएगा सम अराउंड आपका, यहाँ पे एक मिनट, हाँ हाँ चलो 14048 समाराउंड कितना आ रहा है मेरा, नेट प्रॉफिट फोर्टी एट नाइन सिक्सटी फोर। लेट्स चेक इतना ही आ रहा है क्या, 48964, जो एग्जाम क्वेश्चंस के हिसाब से वो अपना
जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना था वो करवा दिया, बट यहाँ पे अपना टास्क खत्म नहीं होता है क्योंकि अपना टैली करना है अपने को बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग प्रॉपर बैलेंस शीट ही पूछते हैं। तो 48,964 को मैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लेके जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट बना ही नहीं है इस बार। यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 48,964, अभी इसमें मैं प्लस करता हूँ 13,000 प्लस 8,600 प्लस 500, तो यह आ जाएगा मेरा 71,064। लेट्स ट्राई, होप कि अपना आंसर टैली हो, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए क्योंकि सब एंट्री अपन ने डेबिट क्रेडिट बराबर ही क्या किया है, इंसर्ट किया है, ठीक है। तो आई थिंक सो अपना आंसर क्या हो गया, टैली हो चुका है यहाँ पे, यस अपना आंसर क्या होगा, टैली हो चुका है। सर कैसे टैली है, बोले बिना टैली कर दिया आपने, देखो 15,400 प्लस 15,700 प्लस 39,964, ये आ जाएगा अपना 71,064। यू हैप्पी, मैं डबल हैप्पी, ठीक है। आंसर अपना क्या हो गया, टैली हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, इफ़ यू एन स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दे रहे हैं, सर ये मुझे समझ में नहीं आएगा, जो भी आपके डाउट डिफिकल्टी है नेक्स्ट सेशन में क्या करेगा, शॉर्ट आउट करे जाएगा। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन के लिए, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए, थैंक यू सो मच।